Hello everyone, welcome to Education Point. Yes, today we will discuss about the circulatory pattern or circulatory pathway. किस टाइप से ब्लड सर्कुलेट होता है बच्चों, तो उसको डिक्लेयर करेंगे, उसको समझेंगे ध्यान से. तो यहाँ पे एक डिवीजन करके मैं आपको समझा रही हूँ, दिस मच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मैंने आपको एनिमल किंगडम में भी बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में. तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, दिस मच इज अ ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आप ऐसे समझो जैसे तालाब है, ठीक है, और उसमें पूरे पानी बह रहा है, ठीक है, पानी है, भरा हुआ तालाब है. और सेल्स समझ लोगे कि इसके अंदर जो सेल्स क्या बोलेंगे, ऑर्गन, ठीक है, ऐसे समझो कि पानी से भरा हुआ तालाब में पानी है. तो कितना कितना तेज फ्लो में बह सकता है पानी, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर फ्लो. एक पानी भरा हुआ है जो कि ट्रीज के कॉन्टेक्ट में है, ट्रीज से नरिशमेंट ले रहे हैं, इस तरीके से. ऐसे ही बॉडी के अंदर ब्लड अगर भरा हो, ऐसे ही बॉडी के अंदर ब्लड भरा हो, तो ब्लड कहाँ भरा होगा, बॉडी कैविटी में. इसको साइनस कहते हैं बच्चों. बॉडी कैविटी इज फिल्ड विद ब्लड, बॉडी कैविटी इज फिल्ड विद ब्लड. ओके, ब्लड से भरी हुई है बॉडी कैविटी. ऑर्गन जो है वो डायरेक्टली ब्लड के कॉन्टेक्ट में है, ठीक है. ऐसा होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, तो बॉडी कैविटी ब्लड से भरी हुई है और जो क्या है, ऑर्गन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द ब्लड, ऑर्गन ब्लड में डूबे हुए होते हैं. तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है बच्चों, पहले सर्कुलेटरी सिस्टम आया कहाँ से था, एनालिडा से आया था, याद रखना. अर्थवॉर्म जो कैटेगरी का है, अर्थवॉर्म एंड नेरिस और लीचिस, तो ये जो कैटेगरी है आपकी एनालिडा की, इस कैटेगरी में सर्कुलेटरी सिस्टम आया था, लेकिन क्लोज टाइप का आया था. तो एनालिडा में लिखेंगे क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है. ठीक है, एनालिडा. एंड हियर एग्जांपल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल बच्चों, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में इसके नीचे क्या जाओ, आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा मोलस्का, मोलस्का. और अगर हम देखें, मैंने वर्टिब्रेट्स में आपको पढ़ाया था आपको यूरोकॉर्डेटा, वो भी होता है, लेकिन अभी हम इतना ही लिखेंगे. अगर मैं इकाइनोडर्मेटा स्टारफिश की बात करूं बेटा, उसके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, उसके पास वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू वो अपना मटेरियल ले रहे होते हैं, चाहे ऑक्सीजन हो या न्यूट्रिएंट हो, वाटर कैनाल सिस्टम होता है. तो इकाइनोडर्मेटा के पास कोई ब्लड ब्लड नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ब्लड आर सर्कुलेट इन अ क्लोज वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स में जब ब्लड फ्लो होता है तो उसका एक डेफिनेट प्रेशर होता है, ठीक है. जो हायर एनिमल्स होंगे उनको जरूरी है, ठीक है, हम क्या है, वी आर द वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स को जरूरी है कि बहुत एक डेफिनेट अमाउंट में ब्लड सारी सेल्स तक पहुँचे, ताकि वो अपना वर्क परफॉर्म कर पाए, ठीक है. तो दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जाम्पल के साथ पढ़ लिया बच्चों आपने, इसको देखते हैं वन बाय वन. द सर्कुलेटरी पैटर्न आर टू टाइप्स, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा मोलस्का का ही एग्जाम्पल दिया हुआ एनसीईआरटी ने, ठीक है. विच ब्लड पम्प्ड बाय द ब्लड, जो हार्ट ने ब्लड पम्प किया है वो कहाँ पर आ जाएगा, थ्रू अ लार्ज वेसल जो हार्ट से कनेक्टेड होती है, उनसे ओपन स्पेस और बॉडी कैविटी में आ जाएगा, इसको साइनस कहते हैं, याद रखना. एनालिडा एंड कॉर्डेट्स हैव अ कॉर्डेट्स, इसका एक एक्सेप्शन है यूरोकॉर्डेटा, जिसमें नहीं होता क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. वैसे एनालिडा कॉर्डेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे यही मेंशन किया है एनसीईआरटी ने, एक्सेप्शन की बात नहीं की है, ठीक है. हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू द क्लोज नेटवर्क इज कॉल्ड अ ब्लड वेसल. दिस पैटर्न इज कंसीडर्ड टू बी अ मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ ब्लड कैन बी मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड. ये चीज याद रखना बेटा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या एडवांटेज है कि ब्लड फ्लो रेगुलेट रहता है, बताया था, प्रिसाइसली रेगुलेटेड. प्रेशर हमें पता होता है कितने प्रेशर से हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ना हमें ज्यादा चाहिए ना हमें कम चाहिए. ओके, अब वर्टिब्रेट के पास कितने चेंबर का हार्ट है, कितने टाइप का हार्ट है, देखो हार्ट स्टार्ट होता है बच्चों टू चेंबर हार्ट. ओके, टू चेंबर हार्ट में एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल. ओके, एट्रियम इज अ सिंगुलर फॉर्म एट्रियम, और नीचे क्या है, वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल. तो टू चेंबर हार्ट में एक वेंट्रिकल होगा, एक यस एट्रियम होगा. थ्री चेंबर हार्ट में दो एट्रियम होंगे
और एक वेंट्रिकल होगा। ठीक है, ये वाला क्या होगा बच्चों? राइट एट्रियम। ये वाला क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम। और ये वेंट्रिकल होगा। थ्री चेम्बर हार्ट किसके पास मिलता है? थ्री चेम्बर हार्ट एम्फीबियंस के पास मिलता है। थ्री चेम्बर हार्ट आपको रेप्टाइल के पास मिलता है, बट क्रोकोडाइल इज अ एक्सेप्शन केस जिसके पास फोर चेम्बर हार्ट होता है। ठीक है, तो थ्री चेम्बर हार्ट विथ टू एट्रिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल। बता दिया बच्चों आपको, क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल के पास फोर चेम्बर हार्ट यानी टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स। ठीक है, फिशेस में कैसे सर्कुलेट होता है एक बार दिखा देती हूँ बच्चों आपको कि ब्लड सर्कुलेशन फिशेस में कैसे होता है। ओके, दिस वन इज अ डायग्राम ऑफ अ फिश। ओके, रफली ड्रॉ कर देती हूँ बच्चों में। एंड ओके, दिस वन इज लाइक दैट। ओके, यहाँ पे क्या है? फिश का हार्ट है। फिश का हार्ट टू चेम्बर का हार्ट है। ओके ओके, थोड़ा पीछे बनाते हैं हार्ट। यहाँ पे फिश का हार्ट है, टू चेम्बर हार्ट। यहाँ पे इसका गिल्स है, गिल स्लिट्स लगे होते हैं। गिल स्लिट्स क्या होती है? दरारें होती है बेटा। इसके पीछे गिल्स लगे होते हैं, इसके गिल्स हैं, गिल्स लगा देते हैं। और गिल स्लिट्स क्या है? इसकी दरारें हैं। गिल स्लिट्स से पानी अंदर आता है, ऐसे बनी होती है। वाटर अंदर आया, वाटर के साथ साथ डिजॉल्व अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी आती है। ठीक है, अब क्या होता है? ये है इसके टिश्यूज, फिश के टिश्यूज। फिश के टिश्यूज से क्या आना चाहिए? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आना चाहिए। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा होता है? हार्ट में आ रहा होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है हार्ट में, हार्ट के एट्रियम, हार्ट में। ठीक है, और ये हार्ट से कहाँ जाएगा? हार्ट से कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा ये ब्लड? गिल्स में। ठीक है, ये ब्लड कहाँ जाएगा बेटा? गिल्स में, गिल्स। और गिल्स से ये ब्लड कहाँ जाएगा? ऑक्सीजनेटेड होके डायरेक्टली टिश्यू में, डायरेक्टली टिश्यूज में। तो क्या हार्ट में एक ही बार ब्लड आया? यस, एक ही बार ब्लड आया हार्ट में। ओके, और ये ब्लड कैसा था? डीऑक्सीजनेटेड था। तो ऐसा हार्ट जिसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, देखो हार्ट में आया, गिल्स में गया, हार्ट से वापस ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में नहीं आया, ठीक है, डायरेक्टली टिश्यू में चला गया। हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारे में ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने लंग्स के पास जाता है, देन ऑक्सीजनेट होके वापस हार्ट में आएगा, फिर हार्ट पंप करके बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाता है। यहाँ पे डायरेक्टली टिश्यू में चला जा रहा है। तो दिस टाइप ऑफ अ सिस्टम इज अ कॉल्ड अ सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस वन इज अ कॉल्ड अ सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस वन इज अ कॉल्ड अ सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो एक ही बार हार्ट में आया ब्लड, और ऐसा हार्ट जिसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, ऐसे हार्ट को बोलते हैं वीनस हार्ट। ऐसे हार्ट को बोलते हैं वीनस हार्ट। वेन से याद रख लो, वेन्स, वीनस हार्ट। ओके, ये हो गया फिश की कहानी। अब जिनका जो कि ब्लड एम्फीबियंस की बात करें और रेप्टाइल्स की बात करें, थ्री चेम्बर का हार्ट अगर है, दिस वन इज आर राइट एट्रियम, दिस वन इज अ लेफ्ट एट्रियम एंड दिस वन इज अ वेंट्रिकल। क्या होता है यहाँ पे कि राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ओके, एंड लेफ्ट साइड ये जो है ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा, क्योंकि एम्फीबियंस के पास भी लंग्स होते हैं, रेप्टाइल्स के पास भी होते हैं। और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है और वेंट्रिकल में आके मिक्स हो जाता है, और एओर्टा के थ्रू ये मिक्स टाइप का ब्लड ही पूरे सिस्टम में सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। हुआ तो दो बार ही ना, दो बार हार्ट में आया ब्लड, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ बच्चों। ये ब्लड कैसा है? मिक्स्ड ब्लड है, मिक्स टाइप का ब्लड सर्कुलेट होता है। सो इज कॉल्ड है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, हमारे में क्या है? हमारे में चारों चेम्बर अलग अलग है। वी हैव अ बर्ड्स एंड मैमल्स हैव अ फोर चेम्बर हार्ट, और ये चेम्बर हमारे अलग अलग है ना। और ये चेम्बर अलग होने से क्या होगा? हमारे सेपरेशन क्रिएट रहता है हमारे हार्ट में, और हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट सेपरेट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो ब्लड है वो आता है, यस, सुपीरियर वीना कैवा, इन्फीरियर वीना कैवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड जो कि राइट एट्रियम में ओपन हो जाएगा, और राइट एट्रियम से यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में कैसे कैसे आएगा, कौन कौन से वाल्व, मैं आगे आपको समझाऊंगी। फिर यहाँ से बच्चों कहाँ जाएगा? ये जाएगा
इधर पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में, और यहाँ पे भी एक वेल्व होगा जिससे कि एओर्टा में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सर्कुलेशन सिस्टम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओके। और हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट सेपरेट रहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। चलो वन बाय वन इसको रीड कर लेते हैं। इन द फिश द हार्ट पंप आउट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स। हार्ट ने पंप किया ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और गिल्स ने इसको ऑक्सीजनेटेड बना दिया, एंड द सप्लाई ऑफ द बॉडी पार्ट में भेज दिया, गिल्स ने खुद ही भेज दिया, जबकि वेयर इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो टिश्यू ने बनाया है वो हार्ट को देता है। तो ऐसे करते करते हार्ट में दो बार ब्लड नहीं आ रहा था बच्चों, देखा था फिश में, तो सिंगल सर्कुलेटरी ब्लड बोलेंगे, सर्कुलेशन बोलेंगे। एम्फीबियंस और रेप्टाइल में क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है फ्रॉम गिल्स हो सकता है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं एम्फीबियंस के, और टैडपोल के पास भी गिल्स होते हैं, एंड लंग्स भी होता है स्किन के थ्रू, अगर हम फ्रॉग की बात करें तो पानी के अंदर स्किन से रेस्पिरेशन करता है। राइट एट्रियम में आएगा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, ओके। हाउएवर दे गेट मिक्सअप हो गया है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिंगल वेंट्रिकल होने की वजह से, विच पम्प आउट द मिक्स ब्लड, और ये मिक्स ब्लड ही पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन सिस्टम मिलता है, ठीक है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। इन बर्ड्स एंड मैमल ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट सेपरेट रहते हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रिया में इकट्ठा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, आ रहा है, मतलब रिसीव हो रहा है, और डीऑक्सीजनेटेड राइट एट्रिया में, ठीक है। एंड द वेंट्रिकल सेम साइड, वैसे समझा दिया था मैंने आपको बच्चों, द वेंट्रिकल पंप इट आउट एनी मिक्सिंग अप, वेंट्रिकल पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, अलग अलग तरीके से। सेपरेट द सर्कुलेटरी सिस्टम आर प्रेजेंट इन दोज ऑर्गेनिज्म विच हैज अ मैमल हैव अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल है बर्ड्स एंड मैमल्स, ओके। तो अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी आपको, एक एक पार्ट के बारे में, वाल्व्स के बारे में पढ़ेंगे हम, कितने टाइप्स के वाल्व्स हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमी ल्यूनर वॉल, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल, एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल, कितने वॉल के अंदर क्या क्या थिकनेस है, ओके। एट्रिया की थिकनेस, वेंट्रिकल की थिकनेस, एस ए नोड, ए वी नोड, सब कवर करना है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए ह्यूमन हार्ट में क्या क्या है, ठीक है, ओके बच्चों।